एक स्टूडेंट है शशि कुमार, वो कह रहा है सर कई बार पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ। भाई मेरे, ये आम बात है मेरे दोस्त। और जब नौकरी लगेगी ना, जब जो भी जिन्होंने एग्जाम निकाले हैं, जो अभी स्टूडेंट ठीक है जॉब कर रहे हैं, कभी उनसे उनकी स्ट्रगल लाइफ पूछना। बहुत स्ट्रगल किया होता है उन्होंने, बहुत स्ट्रगल। और इसमें ना मुझे एक शेर याद आ रहा है, उसकी लाइनें बड़ी अच्छी थी। ठीक है, उसमें थी कि कहता है, जुबां तो खोल नजर तो मिला, जुबां तो खोल नजर तो मिला, कुछ एहसास तो बता, मैं कितनी बार लुटा हूं जिंदगी ये जरा बोल कर बता। तो वो कहानी है, मतलब जब आप नौकरी लगोगे ना, उसके बाद अपनी लाइफ से पूछोगे यार बताना एक बार, तो लाइफ आपकी बोलेगी यार पिसा तो तू बहुत है, बहुत पैसा है, वाकई में बहुत पैसा है। वो पागलों की तरह यार पूरे पूरे दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना, पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं। और करीब करीब ऐसी जिंदगी 1 2 3 साल तो जी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जब आप तैयारी कर रहे हो, 1 2 साल 3 साल तो जी होगी। वो उतना पेशेंस होना, वो उतनी नेगेटिविटी के माहौल में वो पॉजिटिविटी बनाए रखना, ठीक है। तो ये है, तो जिंदगी से कभी हिसाब मांगोगे ना कि बता मैं कितनी बार लौटा हूँ जिंदगी, जरा हिसाब तो दे, वो हिसाब वो बही खाता बहुत लंबा चौड़ा होगा मेरे दोस्त, तो याद रखना। बट ये नहीं है कि मजा नहीं आएगा, मजा बहुत आएगा। जो सोना है ना, वो तभी तराशा जाएगा जब वो तपेगा, ये फैक्ट है। तो उसी चीज में मजा आता है जो बड़ी मुश्किल से मिले। ठीक है, सपोज करो हमारी टीम है, अगर वो किसी ऐसी टीम को हराए जो अच्छी टीम नहीं है, तो जीतने का कोई मजा नहीं है मेरे दोस्त, ये बात भी फैक्ट है। जीतने का कोई मजा नहीं है। फिर जीतने का मजा भी तभी है जब आप कोई ऐसी गोल अचीव करो जिसके लिए बस टूट चुके हो, कि यार बहुत मेहनत की यार, तब जाके नौकरी मिली, तब मजा आता है। आसान रास्ते पे चल के भी मजा नहीं आता है, अभी नहीं तो फ्रस्ट्रेशन थोड़े दिन बाद होगी। जब आप कोई ऐसी नौकरी करेंगे ना जो आपको बड़ी आसानी से मिल गई, ज्यादा मेहनत नहीं की, मतलब आप बहुत अच्छे लर्नर हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आपने थोड़ी सी मेहनत की, नौकरी मिल गई। अब आप उस नौकरी को तब तो कर रहे हो, बट आफ्टर सम टाइम आपको ये एहसास होगा कि यार नहीं, मैं इस नौकरी के लिए नहीं बना हूं, मैं तो और मेहनत कर सकता हूँ। फिर आपको फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। जब महकमे में कोई भी आपका बॉस ठीक है तुरंत आपको डांट देगा किसी भी बात पे, और तुम उसे बोलोगे अबे पगले, तुझे पता नहीं है तू किससे बात कर रहा है बे, अबे 4 महीने की तैयारी में नौकरी ली है, 1 साल में रुक जाता ना, तेरे से ऊपर वाली रैंक पे होगा मैं। तुम ऐसा बोल तो नहीं पाते, तुम ऐसा मन में बोलते हो, और फिर तुम पता है क्या, तेरी तो अभी रुक बे, 1 साल दे मेरे को, फिर तुम नौकरी छोड़ोगे या नौकरी से ब्रेक लोगे या छुट्टी लोगे या नौकरी के साथ साथ तैयारी करोगे। ऐसे बहुत से मैंने लोग देखे हैं, ठीक है, फिर वो नौकरी के साथ साथ तैयारी करते हैं और फिर वो पिसते हैं, तब जाके वो सोना बनते हैं। तो मेरे दोस्त ये फैक्ट है, बिना तपे निखरोगे तो नहीं, वो तपना तो पड़ेगा। तो इसीलिए होगा कभी कभी आपके साथ कि आप सोचोगे यार वाकई में बहुत पिस रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ यार, छोटी छोटी बातों में बहुत टाइम तक पढ़ रहा हूँ, है ना, बट कब तक, कब तक नहीं नौकरी मिलने तक है, और तप रहे हैं ना। हाँ, तो समझ जा मेरे दोस्त, पक्का सोना बनेगा, बट वो पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस नहीं टूटना चाहिए। हमारे साथ भी, हम मेरे साथ भी होता है कभी कभी, पढ़ाते पढ़ाते हम भी हो जाते हैं और थक जाते हैं, बहुत पढ़ाया बहुत पढ़ाया बहुत पढ़ाया सालों, हम भी थक जाते हैं, बट काम तो करना है ना यार, काम तो करना है, बैठे बिठाए थोड़ी ना खाने आए, और बैठे बिठाए खाया भी नहीं जाएगा यार, आप मेहनती इंसान है, आपसे बैठे बिठाए भी नहीं खाया जाएगा। मैं तुम्हें बोलूँ ना चल बैठ जा, बैठ के खिलाता हूँ, हालांकि अभी भले ही तुम बचपने में हाँ कर दो, अरे मजा है यार बैठे बैठाए जिंदगी, नहीं जी पाओगे, खुददार आदमी हो यार तुम, अपने माँ बाप को देखो कितनी मेहनत की है उन्होंने आपके लिए, तो उनकी औलाद हो यार तुम कैसे हार सकते, तो इम्पॉसिबल है यार। ठीक है, तो बेफिक्र रहो, पिस रहे हो पता है, बट सोना भी बनोगे, पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत
बोल, देखो भाषण देने के लिए आसान है भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, भाषण देने के लिए आसान है, पेशेंस रखो पेशेंस रखो, बट जब रखने की बात आती है ना तो बहुत मुश्किल है। बट मैंने भी रखा है, आप भी रखो, लाइफ में 100% सफलता मिले, ठीक है। मुश्किल है इसलिए हर कोई नहीं कर पाता। पेशेंस रखना, भाषण देना बड़ा आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त। बट याद रखना, जो इंसान आपके सामने भाषण दे रहा है उसने ये चीजें अचीव की हैं, इसीलिए मैं आपको बोल सकता हूं। अब एलन मस्क अगर कोई भाषण दे, वो कहे भाई मैं रातों को जागता हूं, मैं ऑफिस में सोता हूं, अभी भी सुनने में आए उन्होंने एक फोल्डिंग हाउस बनवा लिया है ऑफिस में ही, तो हम सुनेंगे उसकी बात क्योंकि उसने कुछ अचीव किया। ऐसे ही मेरे दोस्त सफलता आपको भी मिलेगी, आप भी जब दूसरों को बोलोगे वो भी सुनेंगे, आपकी भी बातें उनके काम आएंगी। तो इतना ही कहूंगा मेरे दोस्त, मैंने भी वो पेशेंस दिखाया है, मैंने भी मेहनत की है, मैं भी सफल हुआ। जिसने भी पेशेंस दिखाया है, मेहनत की है, वो सफल। तो दो चीजें, पेशेंस रखना है और मेहनत लगातार रखनी, बस काम खत्म, ठीक है जी। तो चलिए, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेहनत करो और परमपिता परमात्मा करे बेहद जल्द आपको सफलता मिले।